एक एमसील से काम नहीं चलेगा, मुझे दो एमसील की जरूरत पड़ेगी शायद। बचपन में ऐसे हम कीचड़ से जो है हाथी घोड़ा अपनाते थे। कोई रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, तो इसी वजह से जो है यहाँ का सरफेस मैं थोड़ा रब। ये मैंने किस तरीके से जो इसमें फिनिशिंग दिया है खुद ही देख लीजिए आप। उलांजी का केस बिल्कुल नया है, इसको ऑर्डर किया था मैंने। गाइस कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त मिलन माझ एक बार फिर से वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज हम बनाने वाले हैं अपना गोप्रो का मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, वो भी एग्जॉर के हेलमेट में। जी हाँ दोस्तों, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप एक ट्रिक एंड टास्क होता है। सही तरीके से अगर सेटअप नहीं बनाया गया तो सही एंगल जो है वो नहीं मिल पाता। और मोटो ब्लॉगिंग में सही एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग मोटो ब्लॉगिंग देखते हो या फिर करने की सोच रहे हो, कि मोटो ब्लॉगिंग में बाइक भी दिखना चाहिए और सामने का जो नज़ारा है वो भी दिखना चाहिए। 60-40 के रेशियो में एंगल होना चाहिए। और इसके लिए सही जो है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, सही तरीके से सेटअप करना पड़ता है, नहीं तो जो है वो डिजायर्ड एंगल नहीं मिल पाता। क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग वीडियो जो लोग देखते हैं उनको भी फुल फील होना चाहिए, उनको भी फील होना चाहिए कि वो खुद जो है बाइक को चला रहे हैं, तभी जो है मोटो ब्लॉगिंग का मज़ा मिल पाता है। तो आज दोस्तों मैं अपने एग्जॉर के हेलमेट में मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने वाला हूँ। और मेरे पास दो हेलमेट है, ये मेरा पुराना वाला हेलमेट है। तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए मेरे पास है एक स्ट्रैप वाला चिन माउंट, एक छोटा सा गोप्रो का चिन माउंट सिंगल पीस वाला, मेरे पास है मिक एडाप्टर, गोप्रो एमसील और उलांजी का केस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये स्ट्रैप वाला चिन माउंट है इसका एडवांटेज और ये जो छोटा सा चिन माउंट है 3M टिप वाला, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रैप वाला चिन माउंट है इसका एडवांटेज ये है कि इसको आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, कभी भी इजीली आप स्ट्रैप को खोल के रिमूव कर सकते हो। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रैप से बांधना पड़ता है। और ये जो एग्जॉर वाला हेलमेट है, जो मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट है, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, ये जो चिन कार्टन होता है, तो स्ट्रैप वाला अगर चिन माउंट में इस्तेमाल करूँ तो ये जो कपड़ा है ये दब जाएगा। लेकिन ये जो चिन कार्टन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोटो ब्लॉगिंग में, क्योंकि आपके वीडियो में ऑडियो जो क्वालिटी है इस चिन कर्टन की वजह से बहुत हद तक जो है बेहतर बन जाता है। कोई भी नॉइज, विंड नॉइज़ वगैरह बहुत हद तक जो है कम हो जाता है। तो इसी वजह से ये स्ट्रैप वाला चिन माउंट मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। मैं इसमें ये सिंगल पीस वाला जो 3M का माउंट है उसी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। अभी देखिए एंगल की बात करें तो देखिए, अलग अलग हेलमेट में जो है अलग अलग एंगल का डिज़ाइन बना हुआ होता है। जैसे कि आप अगर इस हेलमेट को देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ का सामने का जो पोर्शन है इसमें थोड़ा उभार है, थोड़ा सामने की तरफ उभरा हुआ है। तो इसमें जो ये मैंने लगाया है स्ट्रैप वाला चिन माउंट, इसमें एकदम प्रॉपर एंगल आता है। बस एक जे माउंट लगा दिया और कोई भी माउंट की ज़रूरत नहीं। इस जे माउंट के ऊपर आप गोप्रो को अगर फिट कर देते हो, अगर उलांजी का केस फिट कर देते हो, तो सही एंगल मिल जाता है। मैंने करके भी देखा है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन चिन माउंट है, इसको सही एंगल पर बिठाने के लिए नीचे जो है थोड़ा सा बेस देना पड़ेगा। और बेबी को बेस पसंद है, तो हमें बेस बनाना है एमसील से। जी हाँ दोस्तों, कई लोग जो है 3M टेप का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि 3M टेप से अगर आप लगाते हो तो कभी भी आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप एमसील से लगा देते हो तो ये जो परमानेंट हो जाता है, बिना तोड़े जो है आप इसको निकाल नहीं पाओगे। तो अगर आप इसको परमानेंटली मोटो ब्लॉगिंग के लिए बनाने के लिए सोच रहे हो तो रिमूव करने की कौन सी आफत आ पड़ी। मैं तो इसको रिमूव नहीं करने वाला हूँ, परमानेंटली जो है इसको एमसील से लगा दूंगा। और एमसील से जो है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि ये 3M टेप से जो है आप विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि दोस्तों 30-35-40-50 हज़ार तक गोप्रो आता है, और 3M टेप के भरोसे अगर आप छोड़ दोगे तो क्या ही बात हो जाता है, आपका तो काम खत्म। तो फाइनली जो है मैं एमसील से इसको चिपकाने वाला हूँ। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से एंगल सही करना है। आप वाइज़र की तरफ देखो, वाइज़र की सीध में जो है इसको रखना है इस तरीके से, देखिए। और नीचे जो थोड़ा सा नीचे जो यहाँ पे गैप रह रहा है, इसमें जो है आपको बेस बनाना है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बड़े हरामी हो। तो ये रहा दोस्तों एमसील, और एक एमसील से काम नहीं चलेगा, मुझे दो एमसील की ज़रूरत पड़ेगी शायद। पूरा का पूरा नहीं लगेगा, फिर भी देखते हैं कितना लगता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो इस एमसील के अंदर हमें दो चॉकलेट देखने को मिल जाता है, अलग अलग कलर्स के दो क्ले मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक वाला और दूसरे में है ग्रे वाला। तो हमें क्या करना है, ये ब्लैक ब्रदर और ग्रे ब्रदर दोनों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है, अच्छी तरीके से कस के इसको मिलाना है, जब तक ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। बचपन में ऐसे हम कीचड़ से जो है हाथी घोड़ा अपनाते थे। तो अभी हम थोड़ा इसको राउंड बना लेते हैं, ऐसे जैसे रोटी के लिए बनाते हैं।
तो इस तरीके से हमने इसको राउंड बना लिया। तो अभी जो है इसको हम रखते साइड में, अभी चलते हैं हेलमेट की तरफ। हेलमेट रेडी है चिपकाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पे हम एमसील लगाएंगे वहाँ का सरफेस जो है हमें थोड़ा सा रफ बनाना है, क्योंकि इससे क्या होगा जो एमसील है वो अच्छी तरीके से चिपकेगा। कोई रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, तो इसी वजह से जो है यहाँ का सरफेस मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ स्क्रैच करके। चलिए ये तो हो गया, अभी हमें करना क्या है, ये वाला देखिए यहाँ पे जो माउंट है इसके ऊपर जो 3M टेप लगा है उसको हमें हटाना है। एमसील रेडी है, जल्दी जल्दी चिपकाना है, नहीं तो जो है एमसील सूख जाएगा। बेचा मेरे भाई, कौन कहता बे कि 3M टेप स्ट्रांग नहीं है, इसको हटा के तो देखो। ये फाइनली हमने इसमें से जो 3M टेप है उसको हटा दिया। अभी इसमें भी हमें थोड़ा सा स्क्रैच बनाना है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसमें भी थोड़ा हम कट मार देते हैं। तो ये लीजिए, तो ये देखिए फाइनली जो है मैंने एमसील से इसको अच्छी तरीके से चिपका लिया। अभी जो है इसको 10 से 12 घंटे के लिए सूखने देते हैं, उसके बाद जो है इसमें अपना जो उलांजी का केस है, गोप्रो है, पूरा का पूरा फिट करेंगे। हे गाइस, सो फाइनली जो है मेरा हेलमेट का जो चिन माउंट है वो एकदम फिक्स हो चुका है, और 72 घंटे से पिछले मैंने इसको छोड़ दिया था एमसील लगा के, तो एकदम पूरी तरीके से सूख चुका है। और देखिए कितना बढ़िया जो है इसमें फिनिशिंग आया है। बहुत लोग कहते हैं कि एमसील लगाने के बाद जो है हेलमेट देखने में बुरा लगता है, तो सही से लगाना पड़ता है दोस्तों। अगर सही से आप लगाओगे, अगर देखिए एमसील बहुत ही पावरफुल जो है होता है, तो थोड़ा सा अगर उसको सरफेस मिल जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से वो कड़क जम के बैठ जाता है, तो उसको हटाना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग करते हैं क्या है, डर के मारे जो है पूरा का पूरा एरिया में एमसील लगा देते, तो इसके वजह से जो है हेलमेट देखने में ख़राब लगता है। लेकिन देखिए मैंने किस तरीके से जो इसमें फिनिशिंग दिया है, खुद ही देख लीजिए आप। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह से लग रहा है लुक इसमें। तो चलिए अभी जो है फटाफट से इसमें हम लोग मोटो ब्लॉगिंग सेटअप जो है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है सिर्फ एक जे माउंट से ही काम चल जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप थोड़ा सा नीचे उभार करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे बेस दे के इसको बनाओगे, तो जो है इसमें एक जे माउंट से ही काम चल जाएगा। आपको अलग से जो है दो चार जो माउंट होता है वो लगाना नहीं पड़ेगा, एक्सटेंशन माउंट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो देखिए ये जो है बस ये कितनी अच्छी तरीके से इसमें फिट हो गया। गोप्रो को हम फिट करेंगे, ये जो उलांजी का केस है इसमें फिट करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे जो है मिक एडाप्टर भी लगाना है। तो उलांजी का केस बिल्कुल नया है, इसको ऑर्डर किया था मैंने, तो आज ही डिलीवर हुआ है। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1229 रुपये। तो चलिए इसको खोल के कैमरा जो है वो सेटअप कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम टाइट कर देते हैं, और टाइट करने से पहले इसको एंगल जो है सही कर लेते हैं। इसका एंगल इसको तो ये हो गया GoPro Fit। इसमें माइक भी लगाना पड़ता है, तो सबसे पहले तो मैं अडेप्टर लगा लेता हूँ। GoPro में एक्सेसरीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये तो लेना ही पड़ता है। तो फिलहाल जो है मैं इसको पहन के बाइक में चला के आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो एंगल है, व्यूइंग एंगल है, वो किस तरीके से आ रहा है दोस्तों। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, मिक लगाना एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मिक लगाने का बहुत ज़्यादा ट्रिक है, किस तरीके से मिक लगाने से जो है अपने वीडियो में विंड नॉइज़ कम आएगा, कम से कम आएगा, वो पूरा का पूरा अलग से वीडियो में बना के जो है आप लोगों को मिक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि कौन से मिक में किस तरीके से साउंड आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसी को लेकर निकलता हूं बाइक में, और देखता हूं कि व्यूइंग एंगल जो है बाइक में किस तरीके का देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बाइक में।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि व्यूइंग एंगल जो है वह काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। अभी तो फिलहाल के लिए मैंने इस पर मिक सेटअप नहीं किया, माइक्रोफोन नहीं लगाया, तो बाद में माइक्रोफोन का वीडियो अलग से आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो व्यूइंग एंगल मुझे देखने को मिला है एकदम बढ़िया निकल के आया है। तो फाइनली जो है वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आगे चल के बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा रेगुलरली, और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।